सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं क्रिकेट ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने क्रिकेट हेलमेट का रिव्यू देने वाला हूं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हेलमेट कौन सी कंपनी का है और मैंने इसे कितने में परचेज किया था। तो ये हेलमेट SS कंपनी का है और मैंने इसे 1200 में परचेज किया था। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको हेलमेट के पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं शेल। तो वैसे बहुत कम ही चांस होता है कि आपके शेल पे बॉल लगे, और मेरे को लगभग 3 साल हो चुके हैं खेलते हुए और आज तक मुझे कभी बॉल लगी नहीं है। और वैसे लगती भी है तो इसका जो ये पार्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो होगी इसके शेल की बात। तो अब हम बात करते हैं इसकी ग्रिल के बारे में। तो इस पर जो ग्रिल चढ़ी हुई है वो है प्रो एयर टाइटेनियम 2.0, और काफ़ी अच्छी ग्रिल होती है ये। क्योंकि अगर आपकी हेलमेट की ग्रिल अच्छी नहीं होगी तो आपको बॉल लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आपकी ग्रिल टूट जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, समझ सकते हो। तो इसकी जो ग्रिल है वो बहुत अच्छी है, तो आप इस हेलमेट को परचेज कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो है इसका चिन स्ट्रैप। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली सारे हेलमेट में मिल जाएगी, और वैसे इसका कुछ खास वो नहीं होता, बस ये है कि आप जब ये डालते हो तो यहाँ पे अड़ जाता है, तो आपके चिन पे बॉल नहीं लगती, पर इसका कुछ खास इतना यूज़ नहीं होता। तो ये वैसे अप्रोक्सीमेटली आपको 500 टू 600 वाले हेलमेट के अंदर मिल जाएगी। जो 500-600 से नीचे का हेलमेट होगा ये उसमें आपको नहीं मिलेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये चीज़। अब मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर ये आती है एडजस्ट करने के काम आपके हेलमेट को। जैसे अभी ये लूज़ कर लिया मैंने इसको, ठीक है, अब मैं हेलमेट डालता हूँ। तो अभी देखो ये हेलमेट हिल रहा है, तो ये यहाँ से इसको टाइट करेंगे, हम पीछे से टाइट कर लेंगे तो हमारा हेलमेट मूव नहीं करेगा। तो अगर हिलेगा नहीं तो आपको शॉट खेलने में इजी होगी। जैसे आप कोई अपना पुल शॉट वगैरह कुछ भी शॉट खेल दो और आपका हेलमेट ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे हिलेगा, तो कई बार बॉल दिखती भी नहीं और आउट होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए है कि आपका हेलमेट टाइट रहे और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकें। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हेलमेट का फोम। तो आप देख सकते हैं ये जो फोम लगी हुई है ये हमारे कान को प्रोटेक्ट करती है। अब कुछ हेलमेट्स में ये फोम नहीं होती, जो मतलब 300-400 तक के हेलमेट होते हैं उनमें ये फोम नहीं होती। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब भी हेलमेट लेने जा रहे हैं तो आप एक अच्छा हेलमेट ले अपने लिए, सस्ता हेलमेट मत लेना कभी भी, क्योंकि हमारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कान पे बॉल लगती है बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। तो अगर आप जब भी हेलमेट ले रहे हैं अपने लिए तो एक अच्छा हेलमेट ले जिसमें यहाँ पे फोम लगी हो। जैसे श्रेय और मसूरी के वो तो बेस्ट हेलमेट होते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर यूज़ करते हैं, वो आते हैं 5000 से उन हेलमेट की स्टार्टिंग होती है। पर ये जो हेलमेट है ये 1200 का है, और ये हेलमेट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप खेल रहे हो तो आप ऐसा हेलमेट परचेज़ कर सकते हो। तो यार ये तो हो गया मेरे हेलमेट का रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।